रियल एस्टेट सेक्टर में जो भी आता है, जो बेचारा समोसे भी बेच रहा है वो प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, कोई टिक्के कबाब लगाने वाला भी कर रहा है, कोई मुर्गी वाला का भी कर रहा है, कोई भी बंदा हेयर ड्रेसर है वो साथ प्रॉपर्टी का भी अपने मोहल्ले में काम करता है। मेरा ये क्लेम होता है कि आप मुझे मत देखेंगे मैं क्या कह रहा हूँ, आप देखेंगे लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा सर, पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि फैसाबाद रियल्टर्स काबिले एतमाद क्यों और कैसे? अगर एक क्लाइंट है, उसका पहला इंटरेक्शन है फैसाबाद रियल्टर्स के साथ, तो हम बयाना उससे किस बेस पे पकड़ेंगे? वो कैसे हम पे एतमाद करें कि ये मेरे लिए काम करेंगे? अच्छा जी, कोई भी अदारा, कोई भी कंपनी काबिल एतमाद इस तरह होती है कि जब भी कोई क्लाइंट आता है, जैसे मैं कहता होता हूँ कि जब तक आप ऑन रोड मीटिंग करेंगे तो आपका ट्रस्ट नहीं जो ना वो डेवलप होता क्लाइंट के साथ। मैक्सिमम हमारे रियल एस्टेट के एजेंट जो ना वो मीटिंग्स करते हैं किसी चौक में, चौराहे में, क्लाइंट को फ़ोन किया, वहाँ से लिया और वहाँ चल पड़े। मैं कहता हूँ कि आप आएँ, हमारा सिस्टम देखें, वी हैव बीन सर्विंग इन फैसलाबाद विद द नेम ऑफ फैसलाबाद रियल्टर फॉर द लास्ट 12 ईयर्स अलहमदुल्ला। अब उन 12 ईयर्स में मैं ये क्लेम करता होता हूँ कि अल्लाह के फजल से कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिससे हमने कोई मिस गाइड किया हो, या जिसको हमने, जिसे कहते हैं ना अपनी बोटी के चक्कर में उसका बकरा ज़िबा करने की कोशिश की हो। तो इस लिहाज से कोई अल्लाह के फजल से कोई शायद कोई सिंगल मिसाल भी ना फैसलाबाद में किसी को मिले। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि हम क्लेम करते हैं, बाकी जो क्लेम होता है ना उसका जो आंसर होता है ना वो हमारे क्लाइंट्स देते हैं। ठीक है, मैं हर जो कहते हैं ना कोई चोर चका फराडिया भी कहेगा कि मैं बड़ा नेक पारसा मुतकी और बड़ा अच्छा हूँ, लेकिन उसको जो लोग देख रहे होते हैं मार्केट में उसकी पेनिट्रेशन कैसी है, लोग उसके साथ जो डील कर रहे हैं वो क्या उनका बिहेवियर है, क्या स्टाइल है, तो वो लोग बताते हैं। तो मैं इसलिए क्लेम करता हूँ कि कोई भी क्लाइंट है, बल्कि कई दफ़ा, एक दफ़ा मेरे क्लाइंट आए तो उन्होंने कहा कि हमने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैंने उनको बड़े दावे के साथ ये बात कही कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम किसी के साथ मिस गाइड नहीं करते, मिस बिहेव नहीं करते, हम किसी को गलत गाइड नहीं करते। आप पहले मार्केट में मेरा सर्वे करके आए, पूरा देखें कि फैसलाबाद रियल्टर्स जो है, जो ना यार मिस्टर सहीम फैसल साहब हैं, इनकी मार्केट में पेंट्रेशन कैसी है, पॉजिटिव वाइब्स कैसी है, नेगेटिव वाइब्स कैसी है, फिर आप पहले सर्वे करें, देन मेरे पास आए, हम फिर प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट प्लान डिस्कस करेंगे, फिर हम आपके साथ जो ना वो कोलेबरेशन बनाएंगे। मैं ये नहीं देखता कि बंदा करोड़ों रुपया लगा रहा है तो मैं उस करोड़ों रुपए का फटाफट जो ना वो मेरी राल टपकनी शुरू हो जाए। तो मैं कहता हूँ कि अच्छे तरीके से लेकर चलो। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये एतमाद है एक मार्केट के जो ना वो हमारे ऊपर एक बड़ा ट्रस्ट डेवलप है, और हमारी ग्रॉस रूट तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लाइंटेज मौजूद है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि क्लाइंट जो है, जिसका फर्स्ट इंटरेक्शन है, वो इस तरह से आप पे यकीन का जो है वो एक बिल्ड कर सकता है कि पहले वो सर्वे करे आपके बारे में मार्केट में, देन वो उसको मार्केट से पता चल जाएगा कि आप किस तरह का काम कर रहे देखिए, एक डॉक्टर होता है ना, एक डॉक्टर हैं। के पास पेशेंट जाता है तो 50 लोग कह रहे होते हैं कि यार डॉक्टर बहुत अच्छा है, डॉक्टर बहुत अच्छा है, वो जनाब एक पूरी देता है बंदा जो ना वो सेहत याब हो जाता है। तो मैं तो कहता होता हूँ कि रियल एस्टेट के वी आर द डॉक्टर ऑफ रियल एस्टेट। ठीक है, तो हमारे पास आने से पहले आप लोगों को चेक करें, लोग खुद देखें। मैं जितने मर्जी दावे करी जाऊँ, जितनी मर्जी बड़ी बड़ी बातें करी जाऊँ, उन बातों का कोई फायदा नहीं है जब तक कि क्लाइंट मेरे मुतलका खुद से सर्वे नहीं करता। कोई भी पर्सन मेरे मुतलका जब से खुद से मार्केट से एनालिसिस नहीं करता, मैं तो कोई, मेरा दावा गलत भी हो सकता है, तो बातें ऐसे ही लंबी चौड़ी भी हो सकती हैं। तो इसलिए मेरा ये क्लेम होता है कि आप मुझे मत देखेंगे मैं क्या कह रहा हूँ, आप देखेंगे लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि आप क्लेम करते हैं कि आप रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हैं, ठीक है, तो आपकी कंसल्टेंसी कैसे एक क्लाइंट को बेहतरीन इंतखाब की तरफ ले जा सकती है प्रॉपर्टी ओके, बाय करने के हवाले से? प्रॉपर्टी बाई करने के हवाले से मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट अपने आप को, एक होता है प्रॉपर्टी डीलर, एक होता है कंसल्टेंट, जी। जैसे एक होता है अताई डॉक्टर और एक होता है जो ना वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर। अच्छा, अब अताई डॉक्टर होता है उसने कहना छोटी गोली बड़ी गोली कैप्सूल ये खाओ और जनाब रफू चक्कर हो जाएगी बीमारी। जो डायग्नोज करता है असल चीज, जो कंसल्टेंट है मतलब दैट डॉक्टर बेसिकली वो डायग्नोज करता है। आप जाए ना किसी भी बीमारी में, सबसे पहले वो बीमारी जब तक डायग्नोज नहीं हुई कि बीमारी आई कहाँ से, प्रॉब्लम कहाँ से आई, हम रियल एस्टेट के अंदर हम डायग्नोज करते हैं। मेरे पास एक बायर बैठा होता है, मैं उस बायर को देखता हूँ कि यार वो जीन बना के आया होता है कि मैंने फलां चीज लेनी है, लेकिन जब वो मेरे पास बैठता है तो मैं उसको कंसल्ट करता हूँ, और कंसल्ट करने के पास कई दफा होता यह है कि उसका वो, क्योंकि इस लिहाज से मेरी बड़ी एक बड़ी स्टेट सी बात होती है कि बिकॉज वी आर द एक्सपर्ट, वी हैव द एक्सपर्टीज, हमारे पास रियल एस्टेट की एक्सपर्टीज हैं, तो आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करें। मैं
मैं कहता हूं कि आप अपने रियल्टर पे ट्रस्ट करें, कोई भी आपका एजेंट है, मैं नहीं कि मैं हूं, किसी भी आप अपने एजेंट पे ट्रस्ट करें और उससे अपना पूरा मुद्दा बैठ के ना, कंसल्टेंट का मतलब ये होता है कि आप फोन पे कंसल्टेंसी नहीं ले सकते, आप चलते हुए रोड पे कंसल्टेंसी नहीं ले सकते। कंसल्टेंसी के लिए आप उस बंदे के प्लेटफॉर्म पे बैठें, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा घंटा सर्व करें, पूरा उसके साथ जो है ना वो गॉसअप करें। गॉसअप करने के बाद पता चलेगा कि ये क्लाइंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में है, या ये रेंटल प्रॉपर्टी के अंदर इसको परमानेंट जो है ना वो बिजनेस रिक्वायर्ड है कि मुझे कोई रेंटल इनकम आती रहे। तो वो सारी चीजें जब तक कैथारसिस नहीं होगा, क्लाइंट कैथारसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रियल एस्टेट सेक्टर। हमारे जितने भी प्रॉपर्टी एजेंट हैं, डीलर हैं या ब्रोकर हम उनको बोलते हैं, वो दे डोंट वांट टू कैथारसिस ऑफ द क्लाइंट, ठीक है, वो जस्ट उनकी उनका जहन, मेजोरिटी ऑफ हमारी इस कम्युनिटी में बिकॉज यहाँ पर जो है ना वो क्वालिफाइड नहीं है इस फील्ड में ना लोग, तो वो कैथारसिस करना चाहते भी नहीं है और उनको कैथारसिस करना भी नहीं आता। जब उनको आता नहीं है कैथारसिस करना तो वो कंसल्टेंट बन ही नहीं सकते, ठीक है जी। तो इसलिए आज से मेरा ये स्टैंड होता है कि आप क्लाइंट का कैथारसिस करें, जब तक कैथारसिस करके उसका मन हल्का करेंगे, उसकी तबीयत को जो चीज सूट करती है, जो अपील करती है, जब तक आप वो उसकी तरफ उसको लेके नहीं जाएंगे, ठीक है जी, तब तक वो कुछ हाथ नहीं आता, वे आए सहर गाई, तो हमें कुछ हाथ में आने वाली नहीं है चीज, तो मजा आने वाला। इस तरह से कि आप कंसल्ट करेंगे, उससे बात करेंगे, बात करने से आपको पता चलेगा कि उसका माइंडसेट कैसा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको गाइड कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं उससे। डेफिनेटली डेफिनेटली, जी जब एक बंदा 2, 4, 5, 10 करोड़ 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो मैं उसे पूछता हूँ कि भाई आप पहले कौन सी इन्वेस्टमेंट करके आए हैं, या कहाँ कहाँ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका माइंडसेट दिखा देता है कि ये बंदा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के मूड में है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप देखिए, आप क्रिकेट को मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्रिकेट में भेजते हैं कि इस वक्त 2, 4, 6, 8 छक्कों की जरूरत है, वो भेज देते हैं शाहद अफरीदी को, जहां उनको पता है टुक टुक लगानी है, वो भेज देते हैं अब्दुल रजाक को या किसी और प्लेयर को टुक टुक लगाने। अब वो उसको पता होता है, जो प्ले खेल रहा होता है ना, ऊपर कैप्टन बैठा होता है, वो ही नोज वेरी वेल कि एट दिस टाइम एट दिस प्लेस विच प्लेयर इज द बेस्ट फॉर प्लेइंग इस जगह पे। अब मैं चूंकि क्लेम करता हूं कि आई एम द कंसल्टेंट, आई एम द डॉक्टर ऑफ प्रॉपर्टी, मुझे पता है कि ये साहब जो सामने बैठे हैं घंटा मुझे देगा तो मेरे नजरिया से, मेरी चीजों से वो इख्तलाफ नहीं करेगा, वो कम से कम अपना जेन लेके आएगा, मैं उसे कर दूं। हाँ, फिर मैं कहता होता हूँ यार आपको मैंने ये गाइडलाइन दे दिया है, अगर आप इस गाइडलाइन के अलावा कोई चलना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके मुताबिक चीज भी ले दूंगा, कोई मसला नहीं। दिस इज माई परसेप्शन, ये मेरा मशवरा है, ये मेरी सोच है, आप अपनी सोच भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है सर, एक ऐसी चीज जो आपको दूसरे प्रॉपर्टी डीलर से अलग करती है, उनसे मतलब लाइक अपर लेवल पे लेके जाती है। लेकिन ये अपर लेवल पे माशाल्लाह अल्लाह ताला की जात ही है, और उसके बाद होता क्या है कि मैं नहीं क्लेम करता कि मैं बहुत से लोगों से बड़ा अपर लेवल पे हूँ, मैं छोटा सा बंदा हूँ, आम सा मामूली सा बंदा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं, मेरे से अच्छे बंदे भी मौजूद हैं, मैं किसी को अपने से क्यों कहूँ कि कोई कमतर है, वो ऐसा है मेरी। देखें, सिर्फ बात यही होती है कि जब तक इंसान के अंदर आजजी होती है, मैं अगर ये कहूँ कि आई एम द बेस्ट, आई एम द सुपीरियर, तो इसका मतलब है कि इंसान उससे बड़ी जहालत है कोई नहीं, ठीक है जी। तो मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आई एम द सुपीरियर, मैं कहता हूँ कि मैं अपनी जो एक्सपर्टीज है उसमें कुछ कोशिश करता हूँ कि उसको चेंज करने की, उसको मॉडिफाई करने की, या उसके अंदर कुछ नई जिद्दत के साथ वर्किंग करने की। बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि रियल एस्टेट सेक्टर में गवर्नमेंट की कोई लेजिस्लेशन है नहीं, तो इस वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में जो भी आता है, जो बेचारा समोसे भी बेच रहा है वो प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, कोई तो टिक्के कबाब लगाने वाला भी कर रहा है, कोई मुर्गी वाला का भी कर रहा है, कोई भी बंदा हेयर ड्रेसर है वो साथ प्रॉपर्टी का भी अपने महल में काम करता है। तो उनकी, मेरा अपना नुकता नजर है, उनकी उस लेवल की एक्सपर्टीज होती नहीं। हम सुबह 7 बजे उठते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सुबह से शाम तक मिशन रियल एस्टेट होता है, अपने जो डीलर भाई हैं, जो रियल एस्टेट के लोग हैं, ब्रोकर हैं, उनको गाइडलाइन देना मेरा मिशन होता है। तो मैं कभी भी सुपीरियर होने का दावा नहीं किया, ना ही इंसान को करना चाहिए, आज ही में रहना चाहिए, उसके अंदर कोई अच्छी अच्छी चीजें, अगर मेरे पास कोई नॉलेज है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मुझे उस नॉलेज को नीचे ट्रांसफर करना चाहिए। ठीक है, लाइक एक चीज जो दूसरे प्रॉपर्टी डीलर से आपको अलग करती है, प्रोडक्ट नॉलेज उसमें आ जाता है, प्रोडक्ट आपका नॉलेज, आपके पास मार्केट नॉलेज बहुत ज्यादा है। ओके ठीक है सर, देखिए प्रोडक्ट नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे पास प्रोडक्ट नॉलेज, आपने बड़ी अच्छी बात की, प्रोडक्ट नॉलेज। हम सुबह देखते हैं कि हमारा जो ना वो मिशन है एग्रीकल्चर में हमने जाना है, हमारा मिशन कमर्शियल सेक्टर है, हमारा मिशन कोई कॉलोनी है, अब उसके पूरी डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए। मैं उस काम को करता नहीं हूँ जिसका मेरे पास नॉलेज ना हो, मैं किसी सेक्टर में घुसता नहीं हूँ जिसका मेरे पास नॉलेज ना हो, अदरवाइज हमारे रियल एस्टेट के अंदर ये फिनोमिना है, ये एक बीमारी है कि आपको क्लाइंट आया तो आप चल थक मोटर को कीक लगाई और चल पड़े,
तो वहां आके आप कभी भी आगे प्रोग्रेस पे नहीं जाते, फिर आप वहीं के वहीं बस भटकते रहते हैं, भटकी हुई आत्मा की तरह आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू।